So now we are going to discuss about urochordates, that is subphyla urochordates, and this is the example of Hardmania, which belongs to subphyla urochordates. Now in this lecture we will going to study about characters of urochordates. So first character is, subphyla. Urochordates. Okay, so first character is, these are marine animals. Okay, so these are marine animals. Their body skin like test or tunics. Okay, जो इनके body है tunicates जो animals है उनसे मिलते जुलते हैं. So their body skin is like test or tunics. Third is larvae shows sorry larvae shows nahi larvae swimming is freely larvae swimming is freely and the notochord is present in the notochord is present in the tail region. Hence they are called as urochordates. Now fourth point is, the fourth character is, larvae metamorphosis into adult stage. ओके नाउ मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या, अगर लार्वा है बहुत छोटा स्ट्रक्चर है इसका ऐसे कुछ है. ओके ये लार्वा है, आपने अगर टैडपोल का लार्वा देखा रहेगा तो ऐसे कुछ बहुत छोटे रहते हैं. सो अगर ये छोटा है लार्वा है एकदम छोटा है डेवलपमेंटल पूरी तरह से सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए तो लार्वा ये मेटामॉर्फोस मतलब सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होने के लिए मतलब इस तरीके का अगर बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इट विल एडल्ट स्टेज में पहुंचने के लिए ये कहाँ पे एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट स्टेज व्हेन इट इज सेटलिंग इनटू सी बॉटम. सो जब तक ये समुंदर के नीचे, as we have discussed कि ये मरीन एनिमल्स है तो समुंदर का जो सरफेस होता है सी का जो बॉटम होता है उसमें अगर वो उनके लार्वे जब तक सेटल नहीं होते तब तक वो मेटामॉर्फोस एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट नहीं होते हैं. ओके जब तक वो मेटामॉर्फोस नहीं होंगे तो एडल्ट स्टेज में तो जाहिर सी बात है कि वो कन्वर्ट नहीं होगा और उसे एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए उन्हें सी के बॉटम में जाना पड़ता है. ओके सो दिस इज द वन रीजन. And fifth is they are hermaphrodite. They are hermaphrodite. So what do you mean by that? Sexes are present in the same animal. Okay, bisexual बोल सकते हैं. Male gamete and female gamete they are present in the same animal.
ओके सो दे आर हर्माफ्रोडाइट. एग्जाम्पल इज हर्डमेनिया. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हर्डमेनिया. इट शोज आर्कियल अपर्चर ट्यूनिक्स. सो हमने देखा कि इनकी बॉडी जो स्किन है वो ट्यूनिक्स जैसी है, दैट इज वाई ट्यूनिक्स. सो बॉडी फुट एंड दिस इज द ब्रांचियल अपर्चर. ओके सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्रांचियल अपर्चर. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.